नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने रिलीज के पहले ही दिन शानदार ओपनिंग करते हुए जबरदस्त कमाई की। कम स्क्रीनिंग पर रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म ने बढ़िया ओपनिंग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन लगभग 3,55,00,000 का कलेक्शन किया। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर आधारित है। ये भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है, जिसका दर्द दशकों तक कश्मीरी और बाकी भारतीयों के जहन में रहेगा। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और भाषा सुमली लीड रोल कर रहे हैं। चिन्मय मंडेलकर भी फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म के ट्रेलर में दिखे आतंक, दहशत, डर ने दर्शकों को काफी एक्साइटेड कर दिया था। अब यही वजह है कि फिल्म देखने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने भी द कश्मीर फाइल्स का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शेयर किया है। साथ ही तरन आदर्श ने दूसरे और तीसरे दिन जबरदस्त इजाफा होने की आशंका भी जाहिर की है। फिल्म में अनुपम खेर पुष्कर नाथ पंडित की भूमिका निभा रहे हैं। भाषा सुबली ने उनकी बहू शारदा पंडित की भूमिका निभाई है, जिनके बेटे शिव और कृष्ण त्रासदी के बाद अलग अलग भाग्य से मिलते हैं। चिन्मय ने फारूक मलिक बिट्टा को एक आतंकवादी और पलायन के पीछे दिमाग की भूमिका निभाई। इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।